बंदिश बैंडिट्स ये लेटेस्ट हिंदी वेब सीरीज है और जब आप इस वेब सीरीज को कंप्लीट करोगे ना देख के तो आप डेफिनेटली नेट पे जो है क्लासिकल म्यूजिक सर्च करोगे। तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ, पहले ही डॉक्टर बाला मुरली कृष्णा का आप क्लासिकल कर्नाटक म्यूजिक सुन सकते हो और पंडित भीमसेन जोशी जो कि बेस्ट नोन है अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बनाने के लिए, या फिर MS सुबोलक्ष्मी जो कि पहली सिंगर थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और पंडित जसराज जो कि मेवाती घराने से आते हैं, और केसरबाई केरकर जो कि जयपुर अतरौली घराने से। ठीक है, तो आप इनका म्यूजिक एक बार जरूर ट्राई आउट कर लेना। हेलो गाइज, मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं एकदम फिल्मी। आज हम रिव्यू कर रहे हैं बंदिश बैंडिट का, ये लेटेस्ट हिंदी वेब सीरीज है जिसको डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने, और इस वेब सीरीज को क्रिएट किया है अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी और अधीर भट्ट और उनके साथ लारा चंदानी ने मिलके। अब इस वेब सीरीज के स्टोरी की बात करें तो वो फॉलो करती है राधे की फैमिली लेगेसी को। ठीक है, वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पे उसके दादाजी को पंडित जी कहा जाता है और वो पिछले 25 सालों से क्लासिकल म्यूजिक सम्राट रह चुके हैं। तो जो उनका जो शहर है ना, जो राजस्थान है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो इतने जो है यूँ कह सकते हो कि म्यूजिक को लेके उनकी डेडिकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि वो पद्मश्री लेने भी नहीं जाते, क्योंकि अगर वो 3 दिन के लिए दिल्ली जाते तो वो 3 दिन तक जो है रियाज नहीं कर पाते। तो वो पिछले 25 सालों से हर दिन रियाज कर रहे। तो जो हमारा राधे है ना, वो चाहता है उनके जैसा बनना, वो चाहता है कि जो उसके दादाजी है ना वो उसके लिए प्राउड फील करे, वो मतलब उनका जो है उत्तराधिकारी बनना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा म्यूजिक वो बनाते हैं ना वैसा ही वो भी क्लासिकल म्यूजिक बनाए, तो वो उनसे सीखता है और उनसे भी आगे जाना चाहता है। तो ये जो वेब सीरीज है ना, इसमें हम राधे की भी डेडिकेशन देखते हैं कि वो जो है अपने पैशन को लेके कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब वो उसके लिए कितना कुछ कर सकता है और वो किस तरीके से जो उसकी स्ट्रगल है वो दिखाई गई है इस वेब सीरीज में, जो कि बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है। और फिर वो किस तरीके से पॉप म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक के बीच में फंसता है, वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता और ना ही कुछ गलत करता है, पर फिर भी जो है किस तरीके से सिचुएशंस बदलती है वो सब हमें जो है इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। पर असली मजा तो तब आता है इस स्टोरी में जब जो है चौथा एपिसोड एंड होता है ना, तो एक नया कैरेक्टर हमारे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उस कैरेक्टर के आने के बाद से ही ये जो वेब सीरीज है ना ये एकदम ही अच्छी हो जाती है। मतलब इसकी मीडियोकर सी स्टोरी ना एकदम सी लेवल चेंज कर लेती है, यूं कह सकते हो कि गियर चेंज कर लेती है और सीधे 5th गियर पे आ जाती है फर्स्ट गियर से, और बहुत मजा आता है उसके बाद जो स्टोरी बनती है ना वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग बनती है। और जो हमें जो ये नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ना हमारे साथ, उसकी जो स्टोरी है ना वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसका इन्वॉल्वमेंट जो है काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये सब हमें जो है इसकी स्टोरी में देखने को मिलता है। तो ये है कि जो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड है ना जो कि फोकस्ड है ज्यादातर तमन्ना के ऊपर, तो वो थोड़े से आपको ढीले लगेंगे, उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। पर ये जो पूरी वेब सीरीज है ना, इसमें आपको बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्यार, गुस्सा, जेलेसी, लालच, तो ये सब देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो ये वेब सीरीज है ना, इसमें ज्यादा फोकस जो है डिसिप्लिन पे किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब यार वो कहते हैं ना कि कुछ भी बनने के लिए ना अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आपको ना ये वेब सीरीज देख के जो है पता चलेगा, और आपको काइंड ऑफ मोटिवेशन भी मिलेगी डिसिप्लिन होने के लिए। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट यार इस पूरी वेब सीरीज का फोकस ही डिसिप्लिन है। किस तरीके से जो राधे को जो है 10 मिनट लेट आने की इतनी बड़ी सजा मिलती है ना, वो देख के तो मतलब यार ऐसा लगता है ना। और जो राधे की जो डेडिकेशन अपने पैशन को लेके वो भी जबरदस्त है, उसी वजह से ये शो आपको इतना अच्छा लगता है। इस वेब सीरीज में जो सॉन्ग्स है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक आपको बहुत ही अच्छे से सुनने को मिलता है, और जिस तरीके से उसका मिक्स किया गया है ना पॉप म्यूजिक के साथ वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये इसमें जो सॉन्ग्स है ना वो वैसे सॉन्ग्स नहीं है जैसे आजकल बनते हैं, जैसे आजकल के सॉन्ग्स होते हैं ना कि 3 मिनट का गाना है उसमें जो एक दो वर्ड को 10-15 बार बोल दो और जो है बस बीट्स डाल दो और थोड़ा अच्छा सा वीडियो बना दो और चल जाएगा गाना। जैसे कि वो गाना है ना, एक गाना है कि जो है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, मतलब कितना पागल है यार। अब लड़की पागल है कि व्यूअर पागल है ये पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के सॉन्ग्स इसमें नहीं है, इसमें बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। और स्पेशली यार एक सॉन्ग है ना जो विरह वाला सॉन्ग है ना जो 10th एपिसोड में आता है, वो इतना जबरदस्त है ना, और उसमें जो फीलिंग आती है ना जब वो कैरेक्टर वो गा रहा है। ठीक है, ये वो वाला कैरेक्टर है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं ना, जो 5th एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना भाई, ये वाला जो कैरेक्टर है ना ये वाला गाना गाता है विरह वाला, एंड इट वॉज सो अमेजिंग ना, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है यार, मतलब जबरदस्त। ठीक है, वो कहते हैं ना कि यार संगीत वही बना सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो,
तो वो वाली फीलिंग आ जाती है गाना सुन के, विरह सुन के, मतलब बहुत ही प्यारा था। ठीक है, तो यार एक चीज है कि इसमें ना कुछ चीज मुझे थोड़ा सा इशू जो लगा ना वो ये था कि इसमें जो कुछ डायलॉग्स है ना वो बहुत ही गंदे, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदे, उनकी जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि जैसे कि यार एक फ्लो बनने लगता है ना शो में, क्योंकि ये शो काफी अच्छा है, और उस हिसाब से जो इसमें जो वो डायलॉग्स है ना दो तीन, वो बहुत ही बुरे हैं। जैसे कि एक डायलॉग है जिसमें लिटरली एक कैरेक्टर यूं बोलता है कि दोनों मिलकर लड़कियों की लेंगे, तो यार ये मतलब यार ऐसा गंदे टाइप का शो नहीं है, तो उसमें ऐसे गंदे टाइप के से भैया डायलॉग्स मत डालो। ठीक है, और साथ ही साथ एक और डायलॉग है जिसमें जो है कर्दाशियन के जो है बम के लिए बोला जाता है कि जो है ये जो है इवेंट इतना बड़ा होगा जितना कि उसके पुट्ठे हैं, तो दैट इज रियली रियली बैड। मतलब किसी भी विमेन के लिए इस तरीके से बोलना, आई डोंट थिंक यार ये अच्छा चीज़ है, मतलब ये बहुत ही बुरा लगा मुझे देख के। ठीक है, तो मुझे इस तरीके के डायलॉग यार ऐसी वेब सीरीज से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यार ये वेब सीरीज ना काफ़ी अच्छी है, तो इतने गंदे डायलॉग इसमें होने नहीं चाहिए थे। और एक सीन इसमें यह है कि जो है जो मुझे अजीब लगा, जो गलत है, अजीब क्या वो तो है ही गलत। ठीक है, उसमें यह था कि जो है एक ही लॉकअप में ना मतलब लड़का और लड़की को एक साथ एक लॉकअप में डाल दिया, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं। पुलिस वाले हमेशा जो है गर्ल्स को अलग लॉकअप में रखते हैं और बॉयज को अलग लॉकअप में रखते हैं, पर इसमें ऐसा दिखाया गया कि दोनों लड़का लड़की एक ही लॉकअप में। ठीक है, तो वो चीज रीजनेबल ही नहीं है, मतलब उसको कैसे मान लें हम, वो तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो ये दो तीन चीजें मुझे काफी खटकी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम राधे के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि प्ले कर रहे हैं ऋत्विक भौमिक। तो एक चीज बोलूंगा, जो इनका कैरेक्टर है ना वो काफी डायनामिक है, मतलब जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ना उनमें चेंजेस आते हैं और ये कैरेक्टर जो है ना ग्रो करते हैं, तो इसी वजह से ये कैरेक्टर हमें इतना अच्छा लगता है। अब जो ये कैरेक्टर है ना काफी सुलझा हुआ है, फैमिली मैन है, मतलब ये अपनी फैमिली को ना खुश करना चाहता है कि इसकी फैमिली खुश रहे, और चाहता है अंदर से चाहता है कि इसकी फैमिली ना इसको देख के प्राउड फील करे, और अपनी काफी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसे बोलना नहीं पड़ता, बिना बोले भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, चाहे उसका नतीजा कैसा भी हो। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से इसके साथ कुछ चीजें हो जाती हैं जो मतलब होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी बंदा कुछ नहीं बोलता, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस ऐसी थी ना ऋत्विक की कि यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रियल संगीतकार का स्ट्रगल देख रहा हूँ, किसी रियल संगीतकार को देख रहा हूँ। तो अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यार किसी एक्टर के लिए क्या होगा कि मतलब यार जैसा उन्होंने कैरेक्टर निभाया है मतलब वो वैसे ही लग रहे हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो शायद ही मैं दे पाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज का जो दूसरा कैरेक्टर है ना वो है तमन्ना। ठीक है, अब ये वाला जो कैरेक्टर है काफी फ्लैट है। अब ये कैरेक्टर प्ले किया है श्रेया चौधरी ने, और यार ये बोलूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, परफॉर्मेंस ठीक थी। अब ये ना कि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि यार अब जो है उस कैरेक्टर के हिसाब से ना उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, पर उनका कैरेक्टर ऐसा है ना कि काफी वीक कैरेक्टर है, और इसमें जो बाकी जितने भी कैरेक्टर है ना इस पूरी वेब सीरीज में वो इतने दमदार है, इतने कॉम्प्लेक्स है ना कि जो है यार ये कैरेक्टर ना तमन्ना का कैरेक्टर जो है उन कैरेक्टर्स के जो है बीच में खो सा जाता है, मतलब छुप जाता है, ओवरशैडोड हो जाता है उनकी वजह से, तो ऐसा लगता है कि ये ना कहीं खो गई, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस कैरेक्टर पे, क्योंकि बाकी कैरेक्टर बहुत ज्यादा दमदार है। हम नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है जो कि पंडित जी बने, जो कि म्यूजिक सम्राट बने, क्लासिकल म्यूजिक सम्राट है, ठीक है, उनका कैरेक्टर जो है राउंड कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर्स में ना लेयर पे लेयर्स है, मतलब बहुत सारी लेयर्स है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, पर ये ना कि उनकी परफॉर्मेंस भाई इतनी जबरदस्त है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार, मेरी औकात ही नहीं उनके बारे में कुछ बोलने की। अब इसमें जो एक और कैरेक्टर है यानी कि जो कबीर का कैरेक्टर है जो प्ले किया है राहुल कुमार ने, वो काफी स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर है, क्योंकि यार देखो अक्सर जो फिल्मों में और वेब सीरीज वगैरह में जो हीरो का जो दोस्त होता है ना वो जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही, मतलब गाली गलौज देने वाला छिछोरे टाइप का, सेम डिट्टो वैसे का वैसे ही कैरेक्टर है, मतलब कुछ अलग हमें देखने को नहीं मिलता इस कैरेक्टर में, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक सी थी, कोई ऐसी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी नहीं, एंड मुझे इतना कुछ मजा आया नहीं। अब बात कर लेते हैं अतुल कुलकर्णी की। अब ये वाला जो कैरेक्टर है भाई, इन्होंने, मैं इनके कैरेक्टर का नाम ही नहीं लेता यार, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ब्रिलियंट है ना, मतलब अमेजिंग है, और लास्ट में जो 10th एपिसोड में जो इनका जो वो जुगलबंदी है वो बहुत जबरदस्त है, उससे पहले वाली जो परफॉर्मेंस है यार जिसमें इन्होंने एक सॉन्ग गाया है, मतलब लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस यार, मतलब एकदम गजब, बहुत ही गजब। ठीक है, और इनका कैरेक्टर का स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इनकी बैक स्टोरी काफी दमदार है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इन्हीं की वजह से ना इस शो से आप कनेक्ट हो पाते, इस शो को आपको मतलब देखने में मजा आएगा सिर्फ और सिर्फ अतुल कुलकर्णी की वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शीबा चड्डा का कैरेक्टर जो कि प्ले करती है मोहिनी। अब यह कि उनके कैरेक्टर में भी काफी लेयर्स है, और स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैरेक्टर तो ऐवे ही है, मतलब कुछ है नहीं इसमें, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, उसका ये पूरा स्टोरी ना उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है।
अब बात कर लेते हैं कुणाल रॉय का कैरेक्टर, तो यार उनका ऐसा है कि जो इस पूरी वेब सीरीज में जो हंसी मजाक आपको देखने को मिलेगा ना, मतलब डोज ऑफ ह्यूमर जो मिलेगी वो कुणाल रॉय से मिलेगी, तो वो अक्सर इसी तरीके के रोल करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है ठीक थी, कोई बुरा नहीं था, ठीक है, मतलब सही था। और अमित मिस्त्री यार उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी ना, अक्सर आपने उन्हें जो है कॉमेडीज करते हुए सुना होगा, देखा होगा, पर ये वाले शो में ना उन्होंने दिल जीत लिया। जो उनका एक सीन है ना जिसमें वो बाप बेटे बैठे हैं और वो खीर वाला सीन है, वो इतना इमोशनल था ना, मैं लिटरली रोने वाला था, मतलब लिटरली मेरी आंख में आंसू आ गए थे, वो इतना प्यारा सीन था। तो मतलब ये पहली बार है कि मैं अमित मिस्त्री को ना इस तरीके के रोल में देख रहा हूँ, अक्सर उन्होंने हंसाया है पर आज पहली बार उन्होंने रुला दिया। और यार इस वेब सीरीज का जो 10th एपिसोड है ना वो ऐसा है कि यार आपको गूजबम्स आ जाएंगे, मतलब जब आप देखोगे ना इतना बढ़िया है, 10th एपिसोड तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब इस वेब सीरीज का जो फिनाले है वो ब्रिलियंट है, अमेजिंग है, ठीक है। अब ये ना कि इसमें कुछ कमियां हैं बट कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसे कमियां ये थी कि यार इसके जो एक दो डायलॉग्स हैं वो मुझे बुरे लगे, एक लॉकअप वाला सीन वो सही नहीं बैठता, ठीक है, 4 एपिसोड की स्क्रिप्ट थोड़ी सी ढीली है, और जो तमन्ना है वो अब क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है पर वो वीक है, उसका कैरेक्टर ना काफ़ी वीक है, तो ये मुझे कमियां लगी। उसके अलावा इस शो में कोई भी कमी नहीं है, परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, स्टोरी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, 5th एपिसोड से तो बहुत अच्छा हो जाता है शो। तो अब बात करूं अगर मैं अपने ओपिनियन की, क्या ये शो आपको देखना भी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा कि यार डेफिनेटली एक बार आप इस शो को जरूर ट्राई करना, आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड अगर आपने देख लेना उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। मैंने ये वाले शो को काफी ज्यादा इंजॉय किया, मुझे काफी ज्यादा मजा आया पूरा शो देखने में। एंड अगर आपको मेरा काम जरा सा भी नुन्नू सा भी पसंद आया होगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।